वेलकम टू आर न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल में, कुणाल ऑटो में। तो आज हम वैगनार के सीरीज पे काम करेंगे। उसका रेडिएटर लीक है, तो कस्टमर का कंप्लेंट था कि रेडिएटर में पानी कम हो रहा है। तो अभी फिजिकल डायग्नोस करेंगे, उसके बाद जो भी है उसका प्रोसेस है आगे फॉलोअप करेंगे। तो ये है वो गाड़ी वैगनार के सीरीज, इसका हुड ओपन करेंगे अभी हम। हुड ओपन कर लिया है, तो ये इसका रेडिएटर है, ये सीएनजी वेरिएंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये लीकेज है, ये सारा कूलेंट स्पिल ऑफ हो रखा है। और इसको गरम गाड़ी को बिल्कुल ना खोले। मैंने गाड़ी आने के बाद 45 मिनट्स इंतज़ार किया, तब मैं गाड़ी को खोल रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर लेवल कम है। देखिए रेडिएटर लीक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपका कूलेंट वगैरह भी कम होता है, उसके वजह से भी प्रेशर बनता है अंदर, तो रेडिएटर लीक हो जाता है। और इस गाड़ी का मैंने कस्टमर से डिस्कस किया था कि उन्होंने अभी तक एक भी बार रेडिएटर चेंज नहीं कराया। ये समथिंग अराउंड 1,15,000 किलोमीटर इसका ड्रिवन है, तो अभी तक इन्होंने कभी चेंज नहीं कराया। तो टाइम टू टाइम चीज़ क्या है, डिमोनिश भी होती है, इसके वजह से भी वो लीक हुआ है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उसका टॉप और बॉटम डाल के उसको रिपेयर करवा देते हैं, तो वो कॉस्ट कटिंग हो जाता है, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए सक्सेस नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता ही होता है। तो बेटर ऑप्शन है कि मारुति का जो भी स्पेयर आता है वो बहुत चीप एंड बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में और इजीली अवेलेबिलिटी में मिल जाता है। तो मैंने डिस्कस किया कस्टमर के साथ, तो हम इसको रिप्लेस ही करेंगे। तो हम इसका सबसे पहले बम्पर रिमूव करेंगे। तो ये इधर क्लिप होता है, वो स्क्रू होता है, उसको नीचे से रिमूव करेंगे, और ऊपर के स्क्रू नीचे के स्क्रू। तो सबसे पहले हम बम्पर को रिमूव करेंगे, उसके बाद हमें रेडिएटर पे काम करने के लिए एक्सेस मिलेगा। तो बम्पर हमने इसका रिमूव कर लिया है, तो अब हमें इसका एक्सेस देखना है कि किधर किधर है। सबसे पहले हम ये कूलेंट रिजर्वर बॉटल जो है इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हम ये पाइप्स वगैरह सब डिस्कनेक्ट करेंगे और फैन का सॉकेट डिस्कनेक्ट करेंगे। ये देखिए नीचे का बॉटम भी इसका लीक है। तो ऊपर वाले पाइप के लिए तो आपको ऊपर से ही एक्सेस मिल जाता है। आप बम्पर रिमूव करेंगे तो आपको नीचे वाला पाइप भी रिमूव करने के लिए इजी हो जाएगा। क्लिप को प्लायर के हेल्प से पकड़ के उसको आप पीछे कर दीजिए, और फिर पाइप को थोड़ा सा जगह पे रोटेट करिए, उसके बाद आप बाहर निकालिए। तो पाइप्स वगैरह हमने सब रिमूव कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अभी ये रेडिएटर फैन का जो सॉकेट है, इसका ये जो लॉक है, आप इसको प्रेस करेंगे और खींचेंगे तो यार डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पाइप सॉकेट हमने सब डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो अभी हम जो इसके स्क्रूज हैं, बोल्ट्स हैं, इनको रिमूव करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा किधर किधर होता है। ये कंडेंसर के हमें सबसे पहले दो रिमूव करने हैं, उसके बाद ये जो ब्रैकेट रहता है इसका, जो ऊपर ये होल्ड करके रखता है रेडिएटर को, ब्रैकेट है जो रेडिएटर को होल्ड करके रखता है, इसको अनस्क्रू करेंगे। उसके बाद कंडेंसर को आपको ध्यान से साइड में करना है ताकि इसका गैस वगैरह लीक ना हो। हाँ, सो कंडेंसर हमने रिमूव कर दिया है। ये जो आपको दो ग्रूव दिख रहे हैं, इनमें कंडेंसर लगा हुआ रहता है। और इसका जो ये ब्रैकेट है, ये भी हमने दो रिमूव कर दिया है। तो रेडिएटर और फैन असेंबली देखो अभी कैसे हिल रहा है, तो इसको हम अभी निकाल लेंगे। तो नीचे से के जो दो रबर बुश है, जो रबर ब्रैकेट है, उनसे हम रेडिएटर को उठा लेंगे और थोड़ा सा हिला डुला के इसको नीचे करेंगे, और फिर ये फ्रंट एंड से बाहर आ जाएगा, या आप नीचे से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारी रेडिएटर असेंबली पूरा बाहर आ गया है। सो ये हमने ओरिजिनल रेडिएटर MGP से मंगा लिया है। तो ये इसका प्राइस है और ये इसका पार्ट नंबर है। तो अभी हम इसको इसका पुराने वाले रेडिएटर से फैन रिमूव करके और नए रेडिएटर में इंस्टॉल करके गाड़ी में फीडबैक करेंगे।
सो रेडिएटर के अंदर हमने फैन के फिटमेंट कर दिए है, अब इसको कार में फिट करेंगे। तो रेडिएटर नीचे के ब्रैकेट्स में बैठ गया है और अभी हम ऊपर के ब्रैकेट लगा के कंडेंसर की फिटमेंट करेंगे, फिर पाइपिंग और फैन का सॉकेट लगाएंगे। पाइप लगाने के बाद इसका क्लिप लगाएंगे। अभी हम रेडिएटर का नीचे का पाइप इंस्टॉल करेंगे। अभी हमें सॉकेट फिक्स करना है तो इसका क्लिपिंग जो है वो पहले के जैसा करेंगे और उसके बाद सॉकेट इंस्टॉल करेंगे। और ये इंस्टॉल करने के बाद आपको जब आप इसको प्रेस करेंगे तो लॉक का साउंड आएगा। वो लॉक का साउंड आना ज़रूरी है, वो वेरीफाई करता है कि हमारा जो कपलर है वो करेक्ट कनेक्शन में है। ये जो हमारा कूलेंट रिजर्वर का जो बॉटल है उसको वापस लगा देंगे और ये पाइप भी लगा देंगे। लगा के थोड़ा सा सबसे पहले पानी डालूंगा, तो पानी डाल के मैं इसको फिलअप करूंगा थोड़ा सा। अभी मैंने इंजन स्टार्ट नहीं किया है तो पानी मैंने थोड़ा डाल दिया है। अब मैं रिजर्वर का जो बॉटल है उसको देखूंगा, उसके अंदर भी पानी नहीं है और ये पाइप भी निकल गया है तो इसको भी मैं वापस लगा दूंगा। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले थोड़ा पानी डालेंगे। अभी रेडिएटर में हम क्या है ये कूलेंट को थोड़ा सा डालेंगे। रिजर्वर बॉटल में भी हमने कूलेंट थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इंजन को चालू करेंगे ताकि जो थर्मोस्टेट वॉल है वो ओपन हो जाए और हम एक ही गो में इंजन के अंदर पूरा अपना कूलेंट और वाटर टॉप अप कर सके। सो इंजन हमने चालू कर लिया है तो अभी हम कूलेंट डालेंगे पहले रेडिएटर में। अब हम इसके अंदर पानी से पूरा टॉप अप करेंगे। ये देखिए ये बबल और आ रहे हैं। जब तक बबल आ रहे हैं आपको फिलअप करते रहना है और साथ में जहां जहां आपने पाइप रिमूव किया था वहां पे आपको लीकेज भी चेक करना है कि कहीं से पानी लीकेज तो नहीं है। कूलेंट और पानी पूरा फिलअप होने के बाद आप इसका रेडिएटर कैप इंस्टॉल कर देंगे और साथ में जो रिजर्वर का कैप है उसको भी इंस्टॉल कर देंगे। सब फिटमेंट होने के बाद आपको इंजन को थोड़ी देर रन करना है और रन करने के बाद आपको वेट करना है कि जब तक रेडिएटर फैन नहीं चलता तब तक आपको वेट करना है, चेक करना है कि ये ठीक से काम कर रहा है सिस्टम या नहीं कर रहा है। ये 97 इसका टेम्परेचर हो गया है और अभी रेडिएटर फैन कुछ ही सेकंड्स में शुरू हो जाएगा जैसे ही वो अपना रेजिस्टेंस रीच कर लेगा। ये देखिए फैन शुरू हो गया है, आवाज आ रहा होगा आपको फैन का। अभी टेम्परेचर डाउन होना भी शुरू हो गया है। ये देखिए 95, 94, ये 89 तक जाता है। तो हमारा रेडिएटर परफेक्ट काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अभी हम बम्पर को दोबारा फीडबैक कर देंगे। तो बम्पर का फिटमेंट इसमें हो गया है, बम्पर हमने वापस फीडबैक कर दिया है और वाटर लेवल हम अभी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। गाड़ी ठंडी हो गई है तो ये देखिए पानी भी पूरा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जल्दी मिलते हैं।